जय श्री कृष्णा। आज आपको एक यक्षिणी के विषय में बताएंगे। क्या यक्षिणी आपको धन देगी? यक्षिणी के साधन हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। यक्षिणी अगर सिद्ध हो जाती है, यक्ष का अर्थ ही होता है चमत्कार, जादू। तो अगर यक्षिणी किसी साधक को सिद्ध होती है तो मिनटों में, चुटकियों में बहुत सारे चमत्कार दिखा सकती है। मैंने बचपन में बहुत सारे ऐसे यक्षिणी के साधकों को देखे हैं जो बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते थे। एक साधक कि मैं घटना बता रहा हूँ, मैं बहुत बचपन में छोटा था तो एक साधक मेरे घर पर आए थे। वो यक्षिणी के ही साधक थे, ये मैं निश्चित कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा चमत्कार कोई कर नहीं सकता था। रात के 1 बजे सब लोग लेटे थे, रात के 1 बजे अचानक सबकी आँख खुल गई। होता है ना, अचानक सोते सोते आँख जब खुल जाती है, तो रात के 1 बजे आँख हम लोगों की खुल गई। सब करीब 8-10 लोग थे, तो पंडित जी की भी खुल गई। तो पंडित जी से कहा गया कि पंडित जी कुछ चमत्कार दिखाओ, इसमें रात में कुछ चमत्कार दिखा सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि घर से आप एक लोटा लेकर के आओ। तो अंदर घर से बचपना था तो वहाँ से हम लोग लोटा लेकर के आए। लोटे को दिखा दे कि खाली, ऊपर आह्वान किए ऐसे कुछ, और लोटे को के ऊपर हाथ ऐसे रखे और ऐसे ऐसे किए, गर्मा गर्म भाई साहब उसमें गर्मा गर्म पेड़ा आ गया। ये चमत्कार मैंने देखा था। अगले दिन सुबह हुआ, मैंने कहा कुछ बड़ा चमत्कार करके दिखाओ, हम लोगों ने कहा। तो पंडित जी बोले ठीक है, ऐसे जो है शून्य में यानी हवा में ऐसे से हाथ किए, वहाँ से 100 का नोट आया। उस जमाने में आज के 20-25 साल पहले 100 का नोट आया, और 100 का नोट लिया कि जाओ उसको लेकर के जाओ बाजार से कुछ सामान लेकर के। वहाँ से हम लोग 1 किलो मिठाई लेकर के आए, 100 के नोट का 1 किलो मिठाई उसमें मिल गया था। 1 किलो मिठाई बढ़िया एक क्लास का मिठाई था। 1 किलो हम लोग मिठाई लेकर के आए। उन्होंने पूरा मिठाई हवा में ऐसे उछाला और पूरा पूरा मिठाई हवा में गायब हो गया। इसके बाद नंबर जो हम लोग 100 रुपये लिए, तो नंबर लिख लिया गया था, उसी नंबर का नोट फिर मंगा दिया। जिस नंबर का नोट मार्केट में हम लोग ले गए और वहाँ से खर्च किए, तो उसी नंबर का नोट फिर पुनः वापस मंगा दिए। तो ये था चमत्कार यक्षिणी का। तो यक्षिणियाँ बहुत चमत्कारी होती हैं। तो आज आपको एक यक्षिणी के ही विषय में बताएंगे। अगर इस यक्षिणी की उपासना करते हो, साधना करते हो, तो निश्चित ही धन की प्राप्ति होगी। यक्षिणियाँ धन देती हैं। तमाम ऐसे शास्त्र, मैं मनमुखी बात नहीं करता, तमाम ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है। रुद्र रामल तंत्र, भूत डामर तंत्र, इंद्रजाल और रावण संहिता, दशानन तंत्र इत्यादि इत्यादि मंत्र महोदय इत्यादि इत्यादि ग्रंथ, मैं सैकड़ों ग्रंथ गिना सकता हूँ। इसमें इस यक्षिणियों के विषय में दिया गया कि ये धन ला करके देती हैं, प्रत्यक्ष ला करके देती हैं। तो अगर आपको भी प्रत्यक्ष धन की आवश्यकता है, एक धन की आवश्यकता होती है, एक प्रत्यक्ष धन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे यक्षिणियों की साधना आप अवश्य करें, जिससे धन की प्राप्ति होगी। तो यक्षिणी की साधना करने से पहले अब महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मुक्तये मामृतात्, इस प्रकार ये महामृत्युंजय त्र्यंबक मंत्र है। इसका 11,000 जप कर लें, क्योंकि यक्षिणी काफ़ी खतरनाक होती हैं। आपका तपोबल उस स्तर का होना चाहिए, तभी सिद्धि मिल सकती है। तो ये रही एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का भी 25,000 आप अनुष्ठान कर चुके हों, तभी यक्षिणी साधना में प्रवेश करें। ये रही दूसरी बात। तीसरी बात, आप महामृत्युंजय का 11,000, भगवान शिव का 25,000, इसके बाद यक्षराज कुबेर का आप 5,000 मंत्र जप लें। यक्षराज नमस्तुभ्यम शंकर प्रिय बांधवा एकोमे वंशगाम नित्य यक्षिणी कृते नमः, ये जो है यक्षराज कुबेर का मंत्र है, इसको भी 5,000 जप कर लें। अब ये तीनों प्रोसेस आपके कंप्लीट हो गए, अब आपकी ऊर्जा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। ध्यान रखना है कि यक्षिणी प्रवेश में पहले अपने शरीर को किसी से स्पर्श नहीं कराना है। लहसुन प्याज 15 दिन पहले ही त्याग देना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी तन मन धन सब तरीके से मानसिक विचारों की गतिविधियों को भी रोकना है, तभी यक्षिणी में सफलता प्राप्त कर सकते हो। यक्षिणी की उपासना 3 रूपों में की जाती है, बहन, माँ और पत्नी और प्रेमिका के रूप में भी यक्षिणी की उपासना कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसमें आप देवी मान करके ही यक्षिणी की उपासना करें, क्योंकि ये देव कोटि की हैं। यक्ष जो है देव कोटि के श्रेणी में आता है, इनकी इनका पावर भी मनुष्य से ज़्यादा, देखो मनुष्य ऊपर हैं, भूत भूत ऊपर हैं, प्रेत प्रेत से ऊपर हैं, पितर पितर से ऊपर, यक्ष यक्षिणी इत्यादि ये सब जो लोग हैं ये सब उसी श्रेणी में आते हैं।
तो इनको देवी मानकर ही उपासना करें। इनकी उपासना में मैं, क्योंकि वैष्णो मार्ग से हूँ, तो वैष्णो दीक्षा ही आपको बताऊंगा, यानी वैष्णो विधि ही बताऊंगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई आपको नुकसान ना हो। इसके लिए आपको करना पड़ेगा ये लाल वस्त्र, लाल आसन, रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला सर्वोपरि है, रुद्राक्ष की माला लेकर के पीपल वृक्ष के नीचे आराधना शुरू कर दें। अपने हाथों से बनाएं, अपने हाथों से भोजन करें, अपने शरीर का किसी से स्पर्श ना कराएं, किसी से वार्तालाप ना करें जब तक आपकी सिद्धि ना हो जाए। कोई भी क्यों कैसा ना हो, आप मौन धारण कर लें जब तक, केवल मंत्र में वृत्ति बार बार मंत्र में, अपनी वृत्ति बार बार मंत्र में ही लगाएं। मनना त्रयाय, मन को मंत्र से जोड़ दें, एकाकार कर दें बार बार, और एकांत बैठ करके गणेश भगवान को प्रणाम करके उनसे जो है ज्ञान ले करके जो मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र की उपासना शुरू कर दें। मंत्र है ओम ह्रीम अनुरागणी यक्षिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र एक बार पुनः सुन लें, ओम ह्रीम अनुरागणी यक्षिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। यह अनुरागणी यक्षिणी का मंत्र है। इस मंत्र का शास्त्र में कहा गया है 1,25,000, 1,25,000 जप करने से अनुरागणी यक्षिणी शाह शरीर आपके सामने उपस्थित होगी। आपके सामने जब सास शरीर उपस्थित हो जाएगी, जब आप अन्य परीक्षाएं भी होंगी आपको बीच में, लेकिन क्योंकि आपके चारों तरफ अध्यात्म शक्ति का वातावरण है, आप 1,25,000 मंत्र बल है, मां मृत्युंजय मंत्र बल है, तो आपका अनिष्ट होने की संभावना नहीं है, ना आपके परिवार है, क्योंकि आपने अपने स्तर को इस प्रकार बढ़ा लिया है ऊर्जा शक्ति को कि अनिष्ट नहीं हो सकता। बस आपको यक्षिणी का आह्वान धैर्यपूर्वक करना है। मेरे बताए गए अनुसार अगर आप करोगे तो निश्चित ही इसमें सफलता मिलना ही मिलना है और आप चमत्कारी पुरुष बन जाओगे। यक्षिणी आ जाती है तो शास्त्र में दिया गया बहुत सारे गहने, बहुत सारे जेवरात, ऐसा कुछ आपको धन संपदा मान वैभव दे सकती है। फिर भी जो आप वरदान मांग लोगे, भौतिक वरदान जो उसके अंदर में होगा वह वरदान आपको देगी। तो एक नोटिस यह है कि वीडियो को देख करके इस साधना को करने का प्रयास ना करें। साधना के लिए किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना को करें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर आपको कोई साधना करनी है तो नीचे डिटेल दिया गया है, उस डिटेल पर संपर्क कर सक करके आप अपने वृत्ति के अनुसार, अपने ऊर्जा के अनुसार जब अपना कुंडली हम भेजोगे तो हम आपकी कुंडली देख करके बता देंगे। धन्यवाद।